रहमानुर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 15। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इट मीन के नबी पाक ने कहा, ईमान का तकाजा है कि आप उस वक्त मोमन ना होंगे जब तक कि मैं आपको महबूब ना हो जाऊँ, आपकी औलाद से ज़्यादा, आपके वालदैन से ज़्यादा और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा। यही हमारे ईमान का तकाजा है। दूसरा, मैं आज जा रहा हूँ जी चनियोट, और चनियोट जाएँ तो हम रास्ते में पिंडी भटिया इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं और रास्ते में पिंडी भटिया आता है। पिंडी भटिया जो है ये मशहूर है अपने एक फोक कलेक्टर अब्दुल्ला भट्टी, जिसको उर्फ में हम दुल्ला भट्टी कहते हैं। बेसिकली एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता था, भट्टी फैमिली से, इसलिए इसका नाम पिंडी भटिया रखा गया, जिनके भट्टियों का गांव जी। और इसके वालिद साहब और इसके जो दादा जान थे उनको अकबर बादशाह ने कत्ल कर दिया था। तो ये जब जवान हुआ, इसको सारी ये डिटेल पता चली, तो ये अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ हो गया और इसने उसके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया। और ये बेसिकली चूँकि एक ज़मींदार फैमिली से था तो लोग भी इसके गिर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए, और इन्होंने फिर अकबर बादशाह को महसूल वगैरह टैक्सेस वगैरह देने बंद कर दिए। तो ये 15 साल तक ये उनके साथ ये मसरूफ़ जंग रहा, और इस दौरान इसने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, उनके बेशुमार फ़ौजियों को, उनके कुछ सिपह सलार को कत्ल किया। और फिर 1599 में इसको अकबर बादशाह ने सुलह के लिए बुलाया लाहौर में। तो अकबर बादशाह उन दिनों लाहौर शिफ्ट हो गया हुआ था ताकि ये दुल्ला भट्टी जो हैं इनको ज़रा ये हैंडल कर सके। तो जब उनकी सुलह नहीं हुई तो उन्होंने फिर इसको गिरफ़्तार कर लिया और इसको फिर फांसी दे दी और लाहौर में दफन कर दिया। दुल्ला भट्टी जो की जो पैदाइश है और 1547 में है, यानी कि 1547 से 1599, तो ये इसकी टोटल बायोग्राफी एक कम्प्रिहेंसिव सी। दूसरा, जो पिंडी भट्टी है ये एक रूरल एरिया है, आप जब ये वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि रोड की कंडीशन भी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मामला इसी तरह ही चलते हैं। और रास्ते में एक राउंड बोट आता है जिसका नाम दुल्ला भट्टी चौक है। तो जब मैं गुज़र रहा था तो मैंने जब पढ़ा तो फिर मैंने कहा चलें आपको उनकी दुल्ला भट्टी या अब्दुल्ला भट्टी की इन्फॉर्मेशन देती जाऊं और आप लोगों की नॉलेज में भी आए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। और बेसिकली ये रूरल एरिया आपको बताया, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर फसलें वगैरह होती हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, ये इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, और लोगों का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चरल लैंड से ही है जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। मान न करिए रूप घण दो, मान न करिए रूप घण दो, वारस कौन हुसन दो, सदा न रहसन शाखां हरियां, सदा न फुल चमन दा, सदा न रहसन शाखां हरियां, सदा न फुल चमन दा, अल्लाहू अमन दा, माली हुकम ना दे मुहम्मद,
क्यों अज सैर करन दा माली हुकम ना दे मुहम्मद क्यों अज सैर करन दा अल्लाहू सदा नारुत बाजारी विकसी सदा नारुत बाजारी विकसी सदा नौनक शहरा सदा नमौज जवानी वाली सदा ना तदई लैरा सदा नमौज जवानी वाली सदा ना तदई रहसन के कलंगा सदा उडारा लाल कतारा रहसन के